वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है 2024 एंड 25। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है, तो स्कर्वी रोगों से कौन रक्षा करेगा बच्चों? विटामिन सी। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, याद रखेंगे हम। आलू है, आलू क्या है बच्चों? आलू एक तना है, आलू एक तना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम व फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो हमें पता है बचपन से मम्मी ने सबने बताया कि दाल पियो प्रोटीन मिलेगा, दाल पियो प्रोटीन मिलेगा, तो ऑप्शन 1 प्रोटीन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है, इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है? तो इसे है बच्चों स्कर्वी, ठीक है। और ठीक किससे होगा? इसको खट्टे फल देने होंगे, ठीक हो जाएगा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री के, तो यहाँ पे हमने भरा है आलू, आप कुछ और भी भर सकते हैं। वसा का स्रोत है, हमने भरा है घी, आप तेल भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध से विटामिन तथा डैश खनिज लवण प्राप्त होते हैं, तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के, और फॉस्फोरस व कैल्शियम खनिज लवण हमें मिलते हैं। फल विटामिन ए का स्रोत है, कौन है बच्चों? पपीता, तो हम यहाँ पे भर लेंगे पपीता। शरीर को ऊर्जा डैश से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है बच्चों? भोजन से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो हम भरेंगे यहाँ पे भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं, तो बिल्कुल सही है बच्चों। वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग होते हैं, गलत है, वसा की अधिकता से हृदय संबंधी रोग होते हैं। विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील है, तो ये भी गलत है बच्चों, बी और सी पानी में घुलनशील है। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है बच्चों। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होने चाहिए, बिल्कुल सही है बच्चों, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। विटामिन डी की कमी, अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग क्या है बच्चों? जल है। किशमिश, किशमिश किससे बनता है? अंगूर से बनता है। नेक्स्ट है, हमारा शरीर की वृद्धि रुकना किसकी वजह से रुक जाती है? कुपोषण की वजह से, अगर हमें ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर पूरा कीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। विटामिन ए, ए के स्रोत है अंडा और घी, इससे रोग होता है रतौंधी, लक्षण क्या है? रात में ठीक से ना दिखना। दूसरा विटामिन है बी, इसके स्रोत क्या है? अनाज के छिलके व मछली, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी, और इसका जो है वो त्वचा का फटना, लक्षण क्या है? त्वचा का फटना। सी, खट्टे फल में पाया जाता है, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में सूजन व खून आना इसके लक्षण है। नेक्स्ट है डी, ये सूर्य के प्रकाश व मक्खन से मिलता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। ई की कमी, ई के स्रोत हैं हरी सब्जियां व अंडा, इससे जनन क्षमता में कमी आती है और पक्षाघात होता है। विटामिन के, सोयाबीन और अंडा, इससे क्या होता है? रुधिर श्राव होता है, और इसके लक्षण क्या है? चक्कर आना। नेक्स्ट है, आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए जो दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है, तो कौन करता है बच्चों? विटामिन सी। जो रोगों से लड़ता है, तो विटामिन ए और सी। जो रक्त के जमने में सहायक है, विटामिन के। जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। जो जल में अघुलनशील है, विटामिन ए डी ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वसा किस में पाया जाएगा? घी, तेल, मांस और दूध। कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, केला, गन्ना। प्रोटीन चना, मटर, सोयाबीन, मसूर।
विटामिन्स अंडा, दूध, मछली, हरी सब्जियां, रेशे, चोकर युक्त आटा, दाल, दलिया और रेशेदार फल। आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे? जिसके मसूड़े से खून निकलता हो तो हम क्या देंगे उसे? खट्टे फल। रात में ठीक से नहीं दिखाई देता हो तो गाजर, पपीता और अंडा देंगे। होंठ फटे हुए हो तो अंडा और मछली देंगे। हड्डियां कमजोर हो तो दूध, अंडा और सूर्य का प्रकाश उसको देंगे। व्यक्ति दुबला पतला हो तो उसे घी, मक्खन और अंडा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग तथा रोग के लक्षण लिखिए। आयरन, आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसकी कमी से एनीमिया होता है। रोग के लक्षण क्या है? थकान और नाखून जो है वो सफेद हो जाते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत हैं दूध व पनीर। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हड्डियां कमजोर व पतली हो जाती हैं। फॉस्फोरस, बादाम, दूध, सूरजमुखी। इससे की कमी से सूखा रोग होता है। इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन, समुद्री भोजन व नमक। घेंघा रोग होता है बच्चों, और इससे क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।